ओके, आज के लेक्चर में क्या सीखना है अपने को? कौन से टाइप के सेंटेंसेस पर होंगे हम? ऑप्टेटिव सेंटेंस। ऑप्टेटिव सेंटेंस मतलब होता क्या है? इच्छा सूचक वाक्य। क्या होता है? तो यहाँ इच्छा सूचक वाक्यों में किस किस का समावेश होता है हम वो भी देखेंगे। तो इच्छा सूचक वाक्यों में हम पहले देखते हैं, इनको अलग अलग भागों में बांटा हुआ है। तो एक एक सबसे पहले हम ग्रीटिंग्स लेते हैं। क्या लेते हैं? ग्रीटिंग्स। अब ये ग्रीटिंग्स क्या होता है? तो ग्रीटिंग्स जैसे कि अपने सबसे पहले ग्रीट यानी अभिवादन करने के लिए किसी को फर्स्ट टाइम पे जैसे मीट किया, हाय हेलो इस तरह के कोई वर्ड हो अपने पास में, गुड बाय हो, बाय हो, इस तरह के जो वर्ड्स होते हैं, या फिर उसके बाद में हम कोई विशिंग करते हैं, तो वहाँ पर इनको वर्ड्स को हम क्या नाम दिया गया है? ग्रीटिंग्स दिया गया है। जैसे कि किसी का अभिवादन करने के लिए पहली बार मिले उसको मिलने के लिए, ग्रीट करने के लिए जो वर्ड्स यूज होते हैं। तो यहाँ पर हम सेड टू को किस में कन्वर्ट करेंगे? सबसे पहले हमारे पास एक इम्पॉर्टेंट ये भी है कि यहाँ जो सेड टू हमारे पास दिया होगा उसको किस में कन्वर्ट किया जाता है? तो सेड टू को अलग अलग प्रकार से है यहाँ पर भी। जैसे कि किसी को अपने ने हाय हेलो बोला, किसी ने हमको क्या बोला? अगर हाय हेलो इस तरह का अगर हमारे पास कोई वर्ड है शुरुआत में, तो हम वहाँ पर क्या लिखेंगे उसकी जगह पर? ग्रीटेड। क्या आएगा? ग्रीटेड। डायरेक्टली हम ग्रीटिंग की जगह क्या लिख देते हैं? ग्रीटेड। ओके, हाय हेलो वगैरह लिखा हो, जैसे किसी ने लिखा हो ए बॉय सेड टू मी हाय हाउ आर यू, तो वहाँ पर हमको क्या लिखना पड़ेगा? ए बॉय ग्रीटेड मी, पहले मेरा अभिवादन किया और उसने फिर मेरे को कुछ पूछा। तो इस तरह के हाय हेलो अपने पास में आए तो वहाँ पर क्या लिखना अपने को? ग्रीटेड। उसके बाद में कभी कभी ग्रीटिंग्स में हमारे पास में क्या होगा? गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, गुड नाइट, गुड नून, गुड इवनिंग, इस तरह का हमारा कोई डे का विशिंग है, ड्यूरिंग द डे हमारे पास में इनका कोई विशिंग आया हो, तो उन विशिंग के लिए हमको क्या यूज करना होता है? यहाँ पर दो वर्ड्स है हमारे पास, पर हम मोस्टली यूज करेंगे विस्ट। ओके, विस्ट दूसरा वर्ड है, लेकिन उसको यहाँ की वजह हम यूज़ करेंगे। कहाँ मैं बता रहा हूँ? अब इसके बाद हमने किसी ने बोला बाय बाय बाय, गुड बाय, इस तरह के कोई वर्ड्स जो होते हैं हमको जब बोले जाए तो हमको वहाँ पे क्या यूज़ करना है? दो वर्ड्स हैं यहाँ भी हमारे पास, एक तो बेड, बेस्ट हमारे पास यहाँ रहेगा बेड। इस टाइप के जो सेंटेंस होते हैं तो हमारे पास क्या रहेगा? बी ए डी ई, बेड। या फिर हम विश्ड भी लिख सकते हैं, पर बेटर मैंने बोला हमारे पास में का चांस है बी ए डी ई हमको यूज़ करना है जहाँ तक हो सके इस तरह का कोई सेंटेंस। तो इज इट ओके? इसके मैंने 3 पार्ट्स किए हैं, हाय हेलो इस तरह का कोई हो तो ग्रीटेड, गुड मॉर्निंग वगैरह कुछ विश किया हो तो विश्ड, और उसके बाद में बाय बाय गुड बाय वगैरह हो तो ये, और भी अगर कोई तुम किसी को और कुछ डे विश करना चाहते हो तो वहाँ भी हमारे पास फिर क्या वर्ड रहेगा? विस्ट का रहेगा। जैसे कि बर्थडे विश करना है, किसी ने बोला हो हैप्पी बर्थडे, एनिवर्सरी बोला हो, या फिर और भी कोई इस तरह का हैप्पी करके हमको कोई विश किया हो, कोई डे विश किया हो, हैप्पी नवरात्रि हो, हैप्पी दिवाली हो, हैप्पी कोई भी डे का अगर हम यहाँ सेलिब्रेशन करेंगे, कोई भी फेस्टिवल हो सकता है हमारा, वो भी हम विश करते हैं। दिवाली हो सकती है, नवरात्रि हो सकती है, और भी अदर फेस्टिवल्स हो सकते हैं, अगर वो भी हमारे यहाँ पर कोई भी आता है तो वहाँ भी हमारे लिए क्या आएगा? विश्ड। क्या आएगा?
तो पहले हम ग्रीटिंग्स के बारे में कुछ सेंटेंस बनाएंगे और उसके बाद हम ऑप्टेटिव सेंटेंस को और आगे बढ़ाएंगे, ठीक है। तो यहाँ हम कुछ सेंटेंसेस कौन कौन से ले रहे हैं, ये सेंटेंसेस कभी भी ऐसा नहीं है कि अकेले ही आए हों, इनके सेंटेंसेस के साथ में दूसरा कोई ना कोई सेंटेंस और जुड़ा होगा। ये इंटरजेक्शंस के रूप में यूज़ हो सकते हैं, कैसे हो सकते हैं, इंटरजेक्शन के रूप में इनको यूज़ किया जा सकता है। इनके साथ में कोई और हो सकता है, जैसे हाई लिखा तो हाई अकेला नहीं छोड़ेगा, हाई के साथ में कोई ना कोई क्वेश्चन पूछेगा तो ऐसा हो सकता है, या फिर हाई के बाद में कुछ और बोले तो हो सकता है कि वो सेंटेंस यहाँ पर इस तरह के पूछे जा सकते हों। ममता सेट्टू, निशा, हाय, हाउ आर यू, मैंने यहाँ पे दो चीज़ों को एक साथ में जोड़ दिया है, ध्यान रखना। दो क्वेश्चंस, एक क्वेश्चन भी है और एक ग्रीटिंग्स भी है। आफ्टर ए लॉन्ग टाइम मीट ममता सेट्टू, निशा। तो इसका इंडक्टिव स्पीच किस तरह बनेगा, तो पहले देखो ममता ने यहाँ पे किया क्या है, ग्रीटिंग किया है, उसका अभिवादन किया है, किसका, निशा का। ममता ग्रीटेड निशा, ममता ग्रीटेड निशा, यस और नो। आफ्टर देन देर इज़ अ क्वेश्चन, ये हमारा क्वेश्चन हाई तक का हो गया, ममता ग्रीटेड निशा, दैट्स इनफ। बट देर इज़ अ क्वेश्चन, वहाँ पर अगर कोई क्वेश्चन है तो हमको क्या लिखना पड़ेगा, एंड आस्क्ड, और एक क्वेश्चन पूछा है उससे, क्या पूछा है, हाउ आर यू। तो पहले कर्ता ढूंढना हमको वहाँ पर, कर्ता कौन है, यू, यू यानी कि लड़की, सामने निशा, हाउ, डब्ल्यू एच वर्ड है तो पहले हाउ तो आएगा ही, हाउ, सी इज आर एम का क्या हो जाता है, वॉज वेयर, तो यहाँ पे सिंगल है, सी तो उसके साथ में क्या लगेगा, वॉज, हाउ सी वॉज। तो इस तरह का हमारे हाय हेलो का हो तो इस तरह का सेंटेंस और उसके साथ में क्वेश्चन हो सकता है। सेकेंड नीलेश सेट्टू, दीपेश, गुड मॉर्निंग, खाली इतना लिखा है, गुड मॉर्निंग बस, या तो गुड मॉर्निंग के बाद में हम कुछ वर्ड्स लगाएं तो यहाँ लगा सकते, गुड मॉर्निंग डियर नीलेश सेट्टू, दीपेश गुड मॉर्निंग डियर। तो इसने इस तरह का यहाँ पर एक सेंटेंस है, अब इसको हमको कन्वर्ट करना है तो क्या लिखना पड़ेगा, नीलेश विज्ड, यहाँ पे क्या आता है, विज्ड। अब ये जो वर्ड्स है हमारा यहाँ पर क्या हो जाता है, पहले आ जाता है विज्ड, गुड मॉर्निंग, ये जो वर्ड होगा वो विज्ड के तुरंत बाद आ जाएगा, और जो हमारे पास टू के बाद रहेगा वो टू के बाद ऐसे कैसे जाएगा, टू दीपेश, या एक्स्ट्रा कोई कंजक्शन यूज़ होता नहीं है, ऊपर ही हमने कोई कंजक्शन यूज़ नहीं किया था यहाँ तक के लिए। हाँ क्वेश्चन के लिए जो नियम होते हैं वो हमने क्वेश्चन वाले रूल्स से अप्लाई किए, बट यहाँ हमारे पास देखो कोई रूल्स नहीं है, विश के बाद में क्या विश किया वो यहाँ लिख देना है, और टू के बाद में जो भी पर्सन का नाम हो सामने वाले वो लिखना है, यस और नो। तो गुड मॉर्निंग, गुड नाइट, इस तरह का कुछ भी होगा तो वहाँ पर इस तरह का ही सेंटेंस बनेगा, नीलेश विस्ट गुड मॉर्निंग, गुड नाइट बोला तो गुड नाइट टू दीपेश, ओके। बेड भी लिख सकते हैं विस्ट की जगह पर, बी ए डी ई, वो भी वहाँ पर अलाउड है। नाउ थर्ड, देव सेट्टू, पवन, खाली बाय बाय, देव सेट टू पवन, देव ने पवन को क्या कहा, बाय बाय बोला है,
तो यहाँ पर क्या आएगा हमारे पास, देव, बेड, बाय, टू, टूम, टू पवन। तो इस तरह का ये सेंटेंस हमारा कहाँ आएगा, जब बेड वगैरह हो तब। आफ्टर देन विश, दोबारा से हमारे पास क्या, कोई बर्थडे विश किया हो वगैरह कुछ किया हो। आकाश सेट टू विकास, आकाश सेट टू विकास, हैप्पी बर्थडे ब्रो। ओके, तो यहाँ पर उसको बर्थडे विश किया है आकाश ने, किसको, विकास को। तो आकाश ने यहाँ पर क्या किया, विश किया है। तो आकाश, आकाश क्या जाएगा, विश्ड, क्या विश किया, हैप्पी बर्थडे। किसको विश किया, टू विकास। तो देखो यहाँ पर कोई एक्स्ट्रा हमने कुछ यूज नहीं किया, कोई कंजक्शन नहीं किया, डायरेक्टली जस्ट विश्ड के बाद में हैप्पी बर्थडे हमने किया है और टू विकास, तो टू विकास यहाँ पर लिख दिया है। टीचर सेड टू द स्टूडेंट्स, हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू, टू ऑल ऑफ यू। तो यहाँ पर देखो यह क्या आएगा, एक टीचर है उसने स्टूडेंट्स को हैप्पी न्यू ईयर विश किया हुआ है, तो क्या होगा बोलो। टीचर सेम विश किया है सामने, हैप्पी न्यू ईयर विश किया है, तो विश्ड हैप्पी न्यू ईयर टू व्हाट, टू ऑल ऑफ यू, ऑल ऑफ यानी टू ऑल द स्टूडेंट्स, टू ऑल द स्टूडेंट्स। देखो यहाँ पर ऑल भी आ गया हमारा और यू की जगह पे कौन आए, स्टूडेंट्स से, तो टू ऑल द स्टूडेंट्स। इस तरह के हमारे जो ऑप्टेटिव में ग्रीटिंग्स होते हैं वो इस तरह के सेंटेंसेस हो सकते हैं। चेतन सेड टू किसको कहा भाई, चेतना, गुड इवनिंग, क्या बोला है इसने, गुड इवनिंग। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे हम, चेतन विस्ट या बेड, विस्ट या बेड, गुड इवनिंग टू व्हाट, टू चेतना, यस और नो। तो ये हमारे थे ऑप्टेटिव सेंटेंस का एक पार्ट, ग्रीटिंग्स, यस और नो, इज इट ओके। नाउ ऑप्टेटिव सेंटेंस के अंदर और भी दूसरे टाइप के जो सेंटेंस आते हैं उनकी तरफ आगे बढ़ेंगे। तो नेक्स्ट ऑप्टेटिव सेंटेंस में क्या आएगा, वो ओरिजिनल ऑप्टेटिव है इसका, इच्छा सूचक वाक्य। यहाँ पर हम सेट टू को किस में कन्वर्ट करते हैं, या हमको जो सेट टू दिया होगा उसको कन्वर्ट किस में करेंगे, डिपेंड ऑन द सेंटेंस, सेंटेंस के ऊपर डिपेंड करेगा। अगर किसी ने प्रार्थना की है, प्रार्थना करे तो, अगर कोई तुम्हारे लिए प्रार्थना करता है तो उसके लिए आएगा क्या, प्रेड। क्या आता है प्रार्थना के लिए, क्या आता है, प्रेड। ओके, मे गॉड ब्लेस यू, इस तरह का हो सकता है कि तुम्हारे लिए भगवान तुम्हें
आशीर्वाद दे तो ब्लेस भी लिख सकते हैं यहाँ पर एक, तो दूसरा है हमारे पास है कोई आशीर्वाद दे तब, क्यों क्या करें, आशीर्वाद दे तब क्या यूज होगा, ब्लेस्ड क्या यूज होगा, ब्लेस यानी आशीर्वाद देना, अगर कोई श्राप दे तो कर्स्ड, अगर कोई श्राप देगा तो वहां क्या होगा, कर्स्ड, CURSED कर्स्ड। उसके बाद में अगर कोई धन्यवाद बोले तो थैंक्ड, थैंक यू बोला हो किसी ने तो अपने को उसको कहाँ लिखना है, उसकी जगह पर सेड टू की जगह पर हमको थैंक्ड बोलना होता है। अगर कोई तुमको अभिवादन करे या बधाई दे, कॉन्ग्रेचुलेटेड, क्या वर्ड यूज होगा वहां पर, कॉन्ग्रेचुलेटेड, अगर कोई विनती करे तो रिक्वेस्ट प्लीज, तो वो भी सेंटेंस किस में आते हैं, इसमें आते हैं विनती करे तब क्या होगा, रिक्वेस्टेड, ओके। दूसरा अगर कोई विश करे तो इसमें भी यहाँ पर हो सकता है, इच्छा प्रकट करे तो ओके। तो इस तरह का हमारे यहाँ पर सेंटेंसेस हो सकते हैं जिनको हम सेट टू के इसमें कन्वर्ट करेंगे, और कंजक्शन क्या लगेगा तो डिपेंड ऑन द सेंटेंसेस, यहाँ पर कभी टू भी लग सकता है और कहीं दैट भी लगेगा, ये हमारा डिपेंड किसके ऊपर करेगा, सेंटेंस के ऊपर। तो यहाँ पर कंजक्शन में मैं टू और दैट दोनों ही साथ में लिखा रहा हूँ कि कब कहाँ यूज होगा, ये डिपेंड करेगा सेंटेंस की कंडीशन पर। अगर कोई भी सेंटेंस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट होता है तो वहाँ टू लगेगा, अगर कोई सेंटेंस के अंदर सब्जेक्ट से स्टार्ट होता है तो वहां दैट लगेगा, ओके। तो टू और दैट दोनों में से कोई भी लग सकता है, डिपेंड ऑन द सेंटेंस स्ट्रक्चर, ओके। तो अब आगे चलते हैं, इसके अंदर कुछ सेंटेंसेस अपने यहां ले रहे हैं। एन ओल्ड मैन सेड टू मी, एन ओल्ड मैन सेड टू मी, मे यू लिव लॉन्ग, दीर्घायु भव। क्या बोला है, दीर्घायु भव, संस्कृत में बोले तो बाकी अमर रहो, लंबे दीर्घायु हो, इस तरह का हमको आशीर्वाद मिलते हैं जब बड़ों के पैर लगते हैं तब। तो एन ओल्ड मैन, देखो यहाँ पे अब क्या हुआ, आशीर्वाद दिया है, ये क्या है, ये आशीर्वाद है, तो क्या होगा, ब्लेस्ड मी, एन ओल्ड मैन ब्लेस्ड मी दैट। अब देखो यहाँ पर क्या है, हेल्पिंग करनी है स्टार्ट में, तो यहाँ पे क्या स्टार्ट होगा, ब्लेस्ड मी दैट यू, यानी सुनने वाला कौन है, मी, तो उसके हिसाब से क्या होगा, आई, यही होगा ना, आई, क्यों, क्योंकि सुनने वाला मी है, और यू के लिए मी के लिए में क्या होगा, आई माई मी यू, यू और यू, तो यू के जस्ट सामने आता है हमारे पास में आई सब्जेक्ट के रूप में, सब्जेक्टिव के लिए आई, मे का क्या हो जाता है, माइट, आई माइट लाइव लॉन्ग, बस जो था वाकई ऐसे के सामने किया।
एंड ओल्ड मैन, हमको यहाँ भाव पहचानना कि सेंटेंस में बोलना क्या चाह रहा है। तो बोलने में यहाँ पे हमको देखो आशीर्वाद दिया ऐसा लगा, तो हमने यहाँ पे लिख दिया है कि एन ओल्ड मैन ब्लेस्ड मी दैट आई माइट लाइव लॉन्ग। ओके, ब्लेस था तो ब्लेस। A man said to a boy, thank you for your kind help, thank you for your kind help, तुम्हारी मदद के लिए धन्यवाद। एक व्यक्ति ने एक लड़के को ऐसा कहा है, तो देखो यहाँ पर किस तरह का होगा। ए मैन थैंक यू आया तो क्या जाएगा, सेट टू की जगह पर थैंक्ड क्या जाएगा, ए मैन थैंक्ड आभार मानना, ए थैंक्ड किसको बोला है, ए बॉय किस बात के लिए, फॉर योर की जगह योर यानी सुनने वाला कौन हुआ, लड़का, लड़का यानी कि ही, तो यू योर ही हिज फॉर हिज काइंड हेल्प। ओके, एकदम सिंपल तरीके से अपने को यहाँ सेंटेंसेस को स्ट्रक्चर को पूरा करना है, जहाँ कंजक्शन की जरूर हो वो कंजक्शन अपने को यूज़ करना है, और कभी कभी ऐसा होता कंजक्शन नहीं लगता, जैसे कि ये सेंटेंस था इसमें ना तो टू लगा ना दैट लगा, बिकॉज हमारे पास वर्ड्स था डायरेक्टली मैन थैंक्ड ए बॉय, बाकी आगे नहीं लगाना होता कुछ भी, जो दिया है वो कब ही रहेगा। सेंटेंस नंबर 3, माय पेरेंट्स सेड टू मी कॉन्ग्रेचुलेशन ऑन योर ग्रैंड सक्सेस, तुम्हारी बड़ी सफलता के लिए तुमको खूब खूब अभिनंदन। ओके, तो इस तरह का अगर कोई सेंटेंस है हमारे पास में तो उसका हम किस तरह से बनाएंगे इंडक्ट स्पीच। तो माय पेरेंट्स जो है वो हमारे यहाँ पर स्पीकर हैं, तो वो कब वो यहाँ रहेगा, माय पेरेंट्स सेड टू की जगह पर क्या लिखेंगे हम, सामने देखना वर्ड क्या है, कॉन्ग्रेचुलेशन, तो यहाँ क्या आ जाएगा, कॉन्ग्रेचुलेटेड, क्या आ जाएगा, कॉन्ग्रेचुलेटेड किस के लिए, मी, कॉन्ग्रेचुलेटेड मी। ओके, उसके बाद क्या है, ऑन योर यानी कि सुनने वाला कौन है, मी, तो योर, यू योर, तो आई माय, ऑन माय ग्रैंड सक्सेस है तो ग्रैंड सक्सेस जैसा है वो ऐसा कैसा ही रहेगा, इज इट ओके। नेक्स्ट नेक्स्ट, अब हमको क्या करना है यहाँ पर, नेक्स्ट में एक सेंटेंस, माय सिस्टर सेड टू माय ब्रदर प्लीज गिव मी ए ग्लास ऑफ वाटर, एक बहन ने अपने भाई को कहा है कि प्लीज एक ग्लास पानी का दे। ओके, तो ऐसा उसने बोला है, तो यहाँ पर देखो क्या आ सकता है, तो माई सिस्टर सेड टू की जगह पे क्या आ जाएगा, प्लीज है तो रिक्वेस्ट कर रहा है, कर रही है तो रिक्वेस्टेड, क्या जाएगा, रिक्वेस्ट हो तो
रिक्वेस्टेड प्लीज वर्ड से हमको पता चलेगा कि वहाँ क्या है, रिक्वेस्ट है। रिक्वेस्टेड किसको रिक्वेस्ट किया, माई ब्रदर को, माई ब्रदर टू गिव। देखो यहाँ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है स्टार्ट में, तो टू गिव, एक मिनट यहाँ गिव मी यहाँ पे बाकी रह गया है, प्लीज गिव मी ए वाटर, ए ग्लास ऑफ वाटर। तो गिव मी यानी बोलने वाला ही कौन है, सिस्टर, तो यानी आई माई मी सी हर हर, टू गिव हर ए ग्लास ऑफ वाटर, यस और नो। तो ये तरह से हमारा यहाँ टू भी कंजक्शन लगा, कहीं नहीं भी लगता है कंजक्शन, और कहीं दैट भी लग सकता है, डिपेंड ऑन द सेंटेंसेस। नेक्स्ट सेंटेंसेस, माय ग्रैंडफादर सेड टू माय फ्रेंड मे गॉड ब्लेस यू। तो यहाँ पर देखो क्या हो सकता है, एक तो ब्लेस हो सकता है या दूसरा प्रेयर भी हो सकता है और विश भी हो सकता है। माई ग्रैंड फादर सेट टू की जगह पे देखो हम यहाँ क्या लिख सकते हैं, प्रेड भी लिख सकते हैं और ब्लेस भी लिख सकते हैं, तो यहाँ प्रे लिख रहे हैं, प्रेड दैट। अब यहाँ पर देखो टू माई फ्रेंड नहीं आएगा डायरेक्टली, यहाँ पर इस टाइप का सेंटेंस जो होगा मे गॉड वाला, तो माई ग्रैंड फादर प्रेड दैट गॉड, सबसे पहले क्या आएगा गॉड, मे का क्या हो जाएगा माइट, ब्लेस का ब्लेस। अब जहाँ यू आएगा उस यू पर हमको ये सुनने वाले का नाम लिखा जाता है, यू जो हो वहाँ पर हमको क्या लिखा जाता है सुनने वाले का नाम, यानी कौन है यहाँ पर, टू माई फ्रेंड, माई ग्रैंड फादर प्रेड दैट गॉड माइट ब्लेस माई फ्रेंड। यहाँ पर ब्लेस का नंबर टू को नहीं लिखना है, टू माई फ्रेंड, ओके। माई ग्रैंड फादर प्रेड दैट गॉड माइट ब्लेस माई, माई यानी कि सुनने वाला कौन है, माई यानी बोलने वाला कौन है, ये है। लेकिन यहाँ पर हमारे पास क्या रहेगा, जो कोई भी नहीं है यहाँ पर, माई ग्रैंड फादर से स्टार्ट, तो यहाँ पर माई का माई ही रहेगा, इसमें कोई चेंजेस होगा नहीं, यहाँ भी माई है और यहाँ भी माई ही है, इसके लिए वहाँ कोई चेंज होगा नहीं। ए पुअर मैन सेड टू कालू, ए पुअर मैन सेड टू कालू, यू वुड यू विल डाई इन वेरी बैड कंडीशन। किसी गरीब को हैरान किया होगा कालू ने, इसलिए उसने को श्राप दे दिया, यू विल डाई इन वेरी बैड कंडीशन, कुत्ते की मौत मरेगा तू ऐसा। तो यहाँ पर एक श्राप होता है, बहुत ही खराब हालत में तुम मरोगे, तो ए पुअर मैन यहाँ पर क्या आएगा, कर्स्ड कालू, कर्स्ड कालू दैट, कंजक्शन क्या लगेगा दैट, यू का क्या हो जाएगा सुनने वाला यानी कालू, तो ही, विल का क्या हो जाता है वुड, डाई का डाई इन वेरी बैड कंडीशन, ये एक श्राप हो गया, ठीक है। नेक्स्ट द प्रीस्ट या तो माय फ्रेंड said to me
सक्सेस विल किसेस किस योर फीट, सफलता तुम्हारे कदम चूमे, ऐसा एक इच्छा प्रकट की है। तो मैं उससे पहले एक वर्ड और यूज कर रहा हूँ यहाँ पर, मे सक्सेस किस योर, विल की जगह मैंने क्या किया, मे सक्सेस किस योर फीट। ओके, तो यहाँ क्या होगा, माई फ्रेंड, देखो यहाँ पर हमारे पास विश भी लगा सकते हैं, दूसरा प्रे भी लगा सकते हैं, प्रार्थना भी की हो, मे है इसके लिए, ये प्रार्थना के लिए यूज हो सकता है, या विश भी लगा सकते हैं, विजडमी दैट सक्सेस, मे का क्या हो जाता है, माइट, किस योर की जगह क्या हो जाएगा, सुनने वाला, तो मी यू योर आई माई हो जाएगा, माई फीट। बोलो अभी कोई क्वेरी, इस टाइप के सेंटेंसेस हो सकते हैं, उनको अपने को यहाँ पर कैसे बनाना है, डिपेंड ऑन द सेंटेंसेस, वहाँ पर जिस तरह का सेंटेंस होगा उस तरह से हमको उनको कन्वर्ट करना है। जीरो के मोस्टली एग्जाम में इस तरह का कोई क्वेश्चंस नहीं आता, फिर भी अगर आए तो हमको ये ध्यान रखना है, ये वाली जो सेंटेंसेस हैं उनका कोई टाइप एग्जाम में तुमसे नहीं पूछा जाता, लेकिन इनडायरेक्ट और डायरेक्ट हम पढ़ रहे हैं तो ये हमको आना भी चाहिए। ओके okay?